हरे कृष्णा, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि पहले हम स्टार्टिंग में 90 से हमें निकाला गया कश्मीर से। हम सारे मैं तब छोटा था, 9th में पढ़ता था मैं, तो फिर मेरी इतने घर की सोर्सेज नहीं थे। मैंने फिर जॉब करना शुरू, थोड़ा काम सीखना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिशियन का। तो तब मैं फिर शादी भी हुई मेरी, तो फिर बच्चे हुए, बच्चे भी स्टार्टिंग में पढ़ाई ठीक कर रहे थे, लेकिन हमारे पास सोर्सेज ही नहीं था। फिर स्टार्टिंग में हम कैंप में रह रहे थे, उसके बाद हमें वो गोल क्वार्टर में, वहाँ भी बच्चे पढ़ते नहीं थे, फिर लास्ट में ये कमरे मिले। इसके बावजूद भी, जगह ना होने के बाद बावजूद भी मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की इसके लिए। मैं इस पर ऐसा मैं बहुत दिन रहा। एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिशियन का भी काम है और मैं वीडियोग्राफी भी करता हूँ, उसकी मदद से मुझे बहुत मदद लगा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मेहनत तो करनी है, रात दिन मेहनत करनी है तो इसी बच्चों के लिए, लेकिन वो मैं सब भूल गया इसके खातिर। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। जो 12वीं के रिज़ल्ट निकले हैं उसके अंदर हम अपने जम्मू के जितने भी टॉपर्स हैं कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की। मेरे साथ अभी तुषार भट्ट जी हैं, और तुषार जी ने 12th में जम्मू कश्मीर में 6th रैंक हासिल किया है। इसके लिए तुषार भट्ट जी को और इनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने कॉमर्स में ये उपलब्धि हासिल की है। तुषार, रिजल्ट आया तो क्या उम्मीद थी कि 6th पोजीशन आएगी, और कितनी मेहनत की आपने और कितना सपोर्ट रहा आपके स्कूल का, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो। मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में बताओ कि क्योंकि कई लोगों को लगता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के 6th पोजीशन ली है आपने। हाँ, ये मेरा मानना है कि लोगों में बहुत गलत पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल जाता है तो पढ़ता नहीं होगा, घूमता होगा, बंक बंक करता होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो मेरा सपोर्टिव स्टाफ था, टीचर्स थे जो मेरे, जहाँ की इंग्लिश की बात है, इंग्लिश मेरा कमज़ोर था। इंग्लिश में मेरे को स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रहा है कि ग्रामर मेरा उतना ठीक नहीं रहा। लेकिन जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ के टीचर इतने सपोर्टिव है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। जहाँ भी मेरे को प्रॉब्लम थी, एक्चुअली मेरा पेपर था अगले दिन, मैंने एक रात पहले मैम को बताया, मैम ये प्रॉब्लम। मैम ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगी। तो मैं सपोर्ट तो बहुत रहा मुझे टीचर्स की वजह से। बहुत अच्छा। और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा बेटा आपकी पढ़ाई में? फैमिली का तो बहुत बहुत सपोर्ट रहा। एक्चुअली पापा तो काम पे जाते थे, घर पे सिर्फ मम्मा होती थी। मुझे आज भी याद है, रात को 4-4 बजे, सुबह 4-4 बजे तक मैं पढ़ता था, मम्मी रात भर जागती थी मेरे साथ। तो मम्मी का तो बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। पिताजी आपके क्या काम करते हैं? पापा मेरे इलेक्ट्रिशियन है, प्राइवेट जॉब करते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, प्राइवेट जॉब करते हैं इनके पिताजी। और हमारी जो कश्मीरी हिंदू पंडित फैमिली है, आप जानते हैं 90s में जब इन्हें कश्मीर से निकाल दिया था, बस इस तरह के फ्लैट्स मिले हुए हैं, चाहे वो जगती में हो या रूपनगर मुट्ठी में हो। तो इन्हीं फ्लैट्स में रहकर बच्चे ने देखो कितना, मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई की, और बड़े कम रिसोर्सेज में इस बच्चे ने जो है 6th पोजीशन हासिल की है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप, आपके बच्चे ने इतनी मेहनत की और आज 6th पोजीशन लिया J&K में? राम राम सबको, हरे कृष्णा। मैं तुषार का पापा हूँ। मुझे बहुत खुशी है, आज तक आज पहली बार हम चैनल पे आ गए आपके माध्यम से। मैं लोगों को सुना था ऐसे ही बच्चे होने चाहिए जो माँ बाप का नाम रोशन करें। इतनी सी छोटी जगह में इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये शुरू से, वैसे इनकी जो क्लास है ना, 95 से ऊपर ही होती थी, लेकिन इस बार भी इन्होंने बोले मुझे 95 से पापा ऊपर ही होगा मेरे मार्क से। लेकिन मुझे इतना टेंशन है, मुझे पता था मेरा बच्चा ठीक पढ़ने में। लेकिन एक दिन उन्होंने बोला मुझसे, पापा मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटे क्या बात है? बोलता पापा मुझसे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि जगह है नहीं इधर। मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे सोर्सेज नहीं है मैं आपको कमरा दे कर सकूँ। आपको जहाँ पढ़ना है इतना इधर ही पढ़ना है, बाकी मेरे पास इतना सोर्सेज नहीं है। बाहर प्राइवेट किराए पर रखूँ या कहीं भेजूँ, आपने पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने बेटे पे नाज है कि आज मुझे पहली बार आपके चैनल के माध्यम से ये इंटरव्यू लिया आपने। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, एक पिता की आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि बेटा कहता था कि, सच बात बोलूं तो, कभी अगर आप कश्मीरी पंडितों के क्वार्टरों में आए हो ना तो आपकी आंखों से खुद आंसू निकल जाएं, क्योंकि मैं तो रेगुलरली कश्मीरी पंडित जो है अपने भाई बहन में, जगती में भी इनके क्वार्टर्स में जाता हूँ। उनकी कंडीशन देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वार्टरों से बच्चे जो है पोजीशन लें तो इससे बड़ी बात क्या है। तो इनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुबारकबाद दें तुषार भट्ट को और इनकी पूरे परिवार को जो इन्होंने इतनी सफलता हासिल की है। आपका नाम क्या है? कमलेश भट्ट।
मैम कितनी खुशी हुई जब पता चला बेटे का रिजल्ट आया और रिजल्ट में 6th पोजीशन आई, कितनी खुशी हुई। और आपका बेटा कितना मेहनती है सर बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। नर्वस तो बहुत ज़्यादा हुए जब रिज़ल्ट आया, तो हमें मतलब इतना नहीं विश्वास था कि सच्ची में इतने मार्क्स आएंगे। हमें तो इतना ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 95। तो बच्चा तो मेहनती है, इनको तो बस हमारे गुरु महाराज जी और ठाकुर जी की राधा कृष्णा की ब्लेसिंग थी, उन्हीं की ब्लेसिंग से ही ये खुशी मिली हमें। धन्यवाद। जैसे आपके हस्बैंड ने बताया कि एक छोटा सा ही कमरा है हाँ आपके जी पास, जैसे कश्मीरी पंडितों के पास है, आप लोग इतनी मुश्किल से रहते हैं, उसी में बच्चे ने पढ़ना, कितनी मुश्किलें फेस की हैं आप लोगों ने। वो तो मुश्किल है ही सर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग भी बाहर खेलते थे, शोर होता था बहुत ज़्यादा। तो फिर 3 महीने के लिए हमने लाइब्रेरी लगा दी इनको, तो मुश्किल तो था ही। देखिए, ये कश्मीरी हिंदू पंडित जो हैं, इनके कश्मीर में अपने अपने घर हैं। आज वो घर सारे इनको छोड़ के यहाँ पर जब इनको निकाला गया तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी वहाँ रह गई, वरना बच्चे इतनी अच्छी जगह में और अपनी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते, लेकिन देख लीजिए एक छोटे से कमरे में पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तुषार ने बड़ी मेहनत की है। तुषार बेटा, आगे क्या सोचा है फर्दर? इसके बाद BCom करेंगे या कुछ और आगे ट्राई कर रहे हैं? अभी मेरा फ़िलहाल है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स करूं। अगर मेरा आगे इंटरेस्ट रहा तो मैं सोच रहा हूँ CA के लिए भी अप्लाई करूंगा, बाकी नहीं तो MBA करूंगा और साथ में कैट की प्रिपरेशंस भी करने की सोच रहा हूँ। वेरी गुड। और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? हॉबीज़ एक तो क्रिकेट खेलना तो होता ही है लड़कों की, और साथ में सॉन्ग सुनने के बहुत अच्छी हॉबीज़ है, क्योंकि जब भी मैं सैड होता था तो सॉन्ग्स ही हेल्प करते थे मुझे उस फेज से बाहर आने में। और हाँ, सॉन्ग्स सुन के मैं पढ़ता भी हूँ। हाँ, मैं पढ़ता भी हूँ सॉन्ग सैड सुन। होते तो कौन सा सॉन्ग सुनते हो? सैड होता तो एक गाना आता था, एक गाना है सिम्बा मूवी का, बेदर्दिया नहीं, बेदर्दिया नहीं, कोई एक सॉन्ग है, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है। मैं जब भी डिमोटिवेट फील करता था, मैं 3 2 5 मिनट तक वही गाना सुनता और इतना मोटिवेट होता था और वापस पढ़ने लग जाता था। बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग तुषार भट्ट जी और उनके परिवार को मुबारकबाद दें जिन्होंने इतने अच्छे नंबर लिए। इन्होंने 6th पोजीशन हासिल की है जम्मू कश्मीर में, और इनकी जो स्ट्रीम है, सब्जेक्ट्स हैं, वो कॉमर्स हैं। अब आगे फर्दर जो बच्चा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स करना चाहता है, और साथ साथ में ही कोशिश करेंगे, ये चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी ट्राई करेंगे, CA का कोर्स के लिए भी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस पूरे परिवार के साथ, आप लोग भी शुभकामनाएं दें। धन्यवाद सभी को, राम राम।